मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो आज डिस्किट में लास्ट डे है, ये नज़ारों को टकटक वे करने का टाइम आ गया है। और अभी आज हम जा रहे हैं पेंगोंग, फिर पेंगोंग से चले जाएंगे ले, और कल हम ले में एक दिन रेस्ट करेंगे। सो आज हमारा पेंगोंग एक्सप्लोर करने का दिन है। पेंगोंग में स्टे नहीं कर रहे हम, ड्यू टू लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर एट नाइट। सो वो इस बार नहीं होगा, लेकिन हम इसे विजिट करने जरूर जाएंगे आज पेंगोंग। और ऑन द वे चांगला पास आएगा जर्नी हमारे लिए। सो चलिए, लेट्स कीप रोलिंग फॉर द डे। तो अभी हम आ गए हैं, ये है होटल के आउटडोर एरिया, यानी कि फ्रंट एरिया होटल का। तो देखिए, सूरज की किरणें सुबह सुबह पेड़ के बीच से होते हुए, बहुत ही सुंदर है ये फ्रंट एरिया। चारों ओर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, बहुत सारे फ्लावर्स लगाए हुए हैं कलरफुल। और ये जो सामने आप एंट्री देख रहे हैं, उसी में है रिसेप्शन एरिया, और एक गार्डन की तरह बनाई हुई है बिल्कुल। और कलरफुल चेयर्स और टी टेबल है, और उसके साथ पेड़ पौधे तो बहुत सारे हैं, आप भी देख रहे होंगे। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। सुबह की धूप के मज़े लेते हुए भी आप बाहर बैठ के भी चाय वगैरह ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी। यही है होटल का ओवरऑल व्यू। और इधर राइट साइड में है पार्किंग एरिया, और इधर है हमारी कार, जो कि हमारे ड्राइवर भाई साहब लेकर बिल्कुल रेडी है। सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी फॉर द डे। आज हम एक ऐसे रूट से पेंगोंग जाएंगे जो कि मॉनसूनस में बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस साइड से पास होना। जैसे कि हमारे ड्राइवर भाई साहब बोल रहे हैं कि जो पानी है रिवर्स का, वो रोड तक आ जाती है, और इवन जो स्नो मेल्ट होता है उससे बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स आ जाती हैं, और वो सारे डिफ़िकल्ट वाटर क्रॉसिंग्स हैं। सिंस हम अभी इस टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अज्ञम, तो अभी हम अज्ञम विलेज में है। अभी टुवर्ड्स लेफ्ट पेंगोंग है, टुवर्ड्स राइट ले है, तो हम लोग टुवर्ड्स पेंगोंग जा रहे हैं अभी। ये एक शॉर्टकट है, भैया जो हमारे जो ड्राइवर भैया है वो हमको लेके आए हैं फ्रॉम नूब्रा साइड आने से। ये शॉर्टकट है, ऐसे तो सब ठीक है, सिर्फ सिस्टर को थोड़ा वॉमिटिंग हो गया है, उनको थोड़ा एसिडिटी था। सो अभी आफ्टर वॉमिटिंग शी इज़ फाइन, सो अभी ठीक है सब कुछ, और वेदर भी परफेक्टली फाइन, एंड वी आर डूइंग ग्रेट। फोटो ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आज भाई साहब पूरा ऑफ रोडिंग हो जा रहा है हम लोग का। जैसे कि आपको बताया था, ये शॉर्टकट रूट है, और इसमें बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स हैं,
और बहुत जगह पे रास्ते है ही नहीं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, एडवेंचरस, एक्साइटिंग। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है। अभी हम लोग टांगस्टे पहुंच गए हैं। ये पेंगोंग से 2.5 आवर्स के डिस्टेंस पे है और आगे थोड़ा ट्रेचरस रोड मिलेगा, जैसे कि ड्राइवर भाई साहब बोल रहे हैं, क्योंकि रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है टिल पेंगोंग। Here we are at Pangong. हमें कुल मिला के 4 आवर्स लग गए यहाँ पहुँचने में। बीच में मल्टीपल ब्रेक्स दिया, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर सब मिला के, सो 4 आवर्स लगा हमको नुब्रा से। रोड ट्रेचरस था, क्योंकि वो रोड यूजुअली जो सीज़न टाइम में नॉन एक्सेसिबल होता है, जैसे कि भैया बता रहे थे हमें कि वाटर क्रॉसिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो स्नो मेल्ट होके रोड से पास होता है, सो उससे कभी कभी हो सकता है लोग वापस भी चले जाते हैं, उस रूट को नहीं ले पाते हैं। बिकॉज हम अभी अक्टूबर में आए हैं, सो दैट रोड वॉज एक्सेसिबल। वाटर क्रॉसिंग मिला बट वेरी माइन्यूट सा, इतना ज़्यादा पानी नहीं था उसमें। बहुत ब्यूटीफुल वो रहा, जर्नी रहा। सो अभी पेंगोंग एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं पेंगोंग को। बहुत सालों की एक मिशन था पेंगोंग आना है, तो फाइनली वी डिड इट। सो लेट्स एक्सप्लोर पेंगोंग। गाइस, पेंगोंग लेक आना हमारे लिए एक ड्रीम कम ट्रू है। बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन पेंगोंग का अगर हिस्ट्री देखिए तो ये 40% इंडिया में है, 50% तिब्बत में है और 10% डिस्प्यूटेड है। क्लाइमेट बहुत हार्श है यहाँ का। हम अभी खड़े हैं यहाँ पर, इतनी ज़ोर की हवा चल रही है यहाँ पर, आपको क्या ही बताएं। और ठंडा बहुत है, अभी -8 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो आइए चलिए एंजॉय करते हैं। Thank you.
मज़ा आया, आपको भी शायद मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो चलिए पहले लंच कर लेते हैं। हम लोगों ने सोचा था कि दुर्गुक में लंच करेंगे, लेकिन यहाँ पे हालत ऐसी है कि ऑफ सीज़न है, सो मोस्ट ऑफ द शॉप्स बंद है, या तो किसी शॉप में उनका जो शेफ है वो नहीं है, तो मैगी से काम चलाना पड़ा। अभी हम लोग चांगला पास अप्रोच कर रहे हैं। चांगला पास भी एक बहुत ही हाई माउंटेन पास है लद्दाख में, और ये पैंगोंग को ले के साथ जोड़ता है। बहुत टाइम तक तो यही एक पास था जो ले को इसके साथ जोड़ता था, पैंगोंग के साथ, लेकिन अभी एक अल्टरनेट रूट भी ओपन कर दिया है। चांगला पास इस द 10th हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, 17,586 feet। इट इज़ इन द वे टू ले फ्रॉम पैंगोंग, टोटली फ्रोजन एंड द विंड्स आर वेरी आइसी, सो वी वोंट बी स्टेइंग मच हियर, वी हैव टेकन ऑल द शॉट्स एंड फॉर यू एंड वी आर बी गोइंग टुवर्ड्स लेना। सो वी आर गोइंग बैक टू ले। अभी इस जगह पे एक नेचर्स कॉल ब्रेक लिया हमने, और अभी यही इच्छा है कि ले मार्केट जाए और कुछ खाए, बहुत भूख लगी है। आज लंच बहुत बेकार था।
सो शाम का टाइम है और इतनी ब्यूटीफुल सनसेट्स के व्यू आ रहे हैं। एक्चुअली सन दिख नहीं रहा है, लेकिन माउंटेन्स के पीछे से एक रे ऑफ लाइट आ रही है। सच में लद्दाख की बात ही कुछ और है, हर वक्त कुछ अलग सा ही है यहाँ पे। हाय गाइस, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। तो कल लास्टली आपने जैसे देखा कि हम होटल पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ मैं सो पड़ा और ब्लॉग एंड करना भूल गया। सो आज ऐसा हमारा कुछ प्लान नहीं है। सो कल का ब्लॉग को यही एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको हम दिखाएंगे ले मार्केट। ले मार्केट एक्सप्लोर करना है आज हमको, क्योंकि आज हम कहीं नहीं जा रहे और रेस्ट कर रहे हैं, आज रेस्ट डे है हमारा। सो लास्ट ब्लॉग को यही एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपको सीधा आफ्टरनून से।